पीएम मोदी इन दिनों ब्रुनेई के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। पीएम मोदी कल ही ब्रुनेई के अपने दौरे पर पहुंचे थे। ब्रुनेई पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया था। पीएम मोदी को ब्रुनेई पहुंचने पर एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी का ब्रुनेई में ये स्वागत देख भारत के दुश्मन देशों में खलबली मचनी निश्चित है, क्योंकि पीएम मोदी द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। ये दिखाता है कि पीएम मोदी का ये दौरा कितना ऐतिहासिक है। अपनी ब्रुनेई यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सुल्तान हसनन बोलकिया से लग्जरी पैलेस में मुलाकात की। यह मुलाकात इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस में हुई, जिसमें 22 कैरेट सोने की सजावट, 5 स्विमिंग पूल, 1700 बेडरूम, 257 बाथरूम समेत बहुत कुछ था। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया और उनके करीबी परिवार के सदस्यों ने इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी के सुल्तान से मुलाकात की तस्वीरों ने दुनिया के सामने भारत की ताकत दिखाई। बता दें कि भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे करने का जश्न मना रहे हैं। इस मौके को पीएम मोदी ने अपने दौरे से और खास बना दिया है। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे के दूसरे दिन आज भारत और ब्रुनेई के बीच डेलीगेशन लेवल की वार्ता हुई। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उनके भरोसेमंद एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ दिखे। भारत और ब्रुनेई के बीच डेलीगेशन लेवल की मीटिंग के दौरान जहां जयशंकर पीएम मोदी के दाहिनी ओर बैठे दिखे, तो वहीं अजीत डोभाल पीएम मोदी के बाईं ओर दिखे। भारत और ब्रुनेई के बीच इस दौरान खास वार्ता हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी और डोभाल भारत और ब्रुनेई के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने भी अपने विचार प्रकट किए। आपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना ये हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा मिलेगी। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। योर मैजेस्टी, आपके भावपूर्ण शब्द,
गर्वजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत और ब्रुनेई के संबंधों को पीएम मोदी ने मजबूत करने की तैयारी कर ली है। इस काम में पीएम मोदी के साथ जयशंकर और डोभाल साथ दिख रहे हैं और विदेशों में भारत की ताकत को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। भारत की इस ताकत से मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ब्रुनेई खुद एक मुस्लिम देश है और उससे भारत के गहरे होते संबंधों से मुस्लिम देशों को मिर्ची लगती दिख रही है, जो भारत के खिलाफ अक्सर साजिशें रचते रहते हैं।